दोस्तों अगर आप भी फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम की जीत से खुश हो तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ एशिया कप का फाइनल मैच जीतकर भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मैच में चटकाए मात्र 30 मिनट में 10 विकेट और फिर स्मृति मानधना की चमत्कारी बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने जीता मैच। तो दोस्तों पूरा वीडियो तो आपको मुकाबले का दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारतीय महिला टीम के एशिया कप में जीतने से आप खुश हो या फिर नहीं, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अथापट्टू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका बल्लेबाजी करने का निर्णय उन्हीं की टीम पर भारी पड़ गया, क्योंकि यहां पर श्रीलंका की टीम ने जब बल्लेबाजी की शुरुआत की थी तो उन्होंने मात्र अपने 18 रन के कुल स्कोर पर ही 6 विकेट गवा दिए थे और यहां से श्रीलंका की टीम मुकाबले में काफी ज्यादा पिछड़ चुकी थी। दरअसल दोस्तों फाइनल मैच में श्रीलंका की तरफ से चमारी अथापट्टू और अनुष्का संजीवनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां चमारी ने 6 रन बनाए तो वहीं अनुष्का 2 रन ही बना सकी और ये दोनों विकेट रनआउट के माध्यम से गिरे। जहां पहला रनआउट रेणुका सिंह ने किया था तो वहीं पूजा वस्त्रकार ने अनुष्का को रनआउट किया और ये दो विकेट गिर जाने के बाद तो मानो रेणुका सिंह को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने लगातार एक के बाद एक 3 विकेट हासिल कर लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पहले तो हर्षिता समारा विक्रमा को आउट किया 1 रन पर, तो वहीं फिर हसीनी परेरा को भी उन्होंने पहली ही गेंद पर चलता किया और कविशा दिलहरी को भी उन्होंने मात्र 1 रन ही बनाने दिया और इसी के साथ ये विकेट लेने के बाद तो मानो पूरा दबदबा अब भारतीय महिला टीम का ही हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका महिला टीम 20 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 65 रन ही बना सकी थी और भारतीय महिला टीम के सामने लक्ष्य मिल गया था 66 रनों का, जहाँ इस दौरान भारत की टीम की तरफ से सबसे शानदार गेंदबाजी करवाने वाली रही रेणुका सिंह, जिनसे 4 ओवर तो नहीं फेंकवाए गए लेकिन इन्होंने 3 ओवर में ही मात्र 5 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए। तो वहीं 4 ओवर फेंकते हुए 2 विकेट लिए इसने राणा ने भी 4 ओवर फेंकते हुए 13 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की और इसी के साथ अब 66 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब भारतीय महिला टीम उतरी तो यहां पर भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से हम सभी को स्मृति मानधना के साथ शेफाली वर्मा दिखाई दी, जहां इस दौरान दोनों ही बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाते लेकिन इससे पहले ही शेफाली वर्मा एक गलती कर बैठी, जहां उन्होंने इनोका की गेंद को आगे बढ़कर मारने की कोशिश की लेकिन यहां पर अनुष्का ने उनको पीछे स्टंप आउट कर दिया और इसी के साथ शेफाली वर्मा मात्र 8 गेंदों में 5 रन ही बना सकी और पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को 32 रन के कुल स्कोर पर लगा। तो वहीं दोस्तों यहां पर शेफाली वर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरी जेमिमा रॉड्रिगेस, जहां जेमिमा भी आज के इस मैच में कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाई और वो 4 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना सकी और उनको कविशा दिलहरी ने आउट किया। लेकिन यहां पर दोस्तों एक छोर से स्मृति मानधना लगातार पारी को संभाले हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर जब कप्तान मैदान पर उतरी तो उन्होंने भी एक छोर संभाल कर रखा और ऐसे में टीम इंडिया को जीत की राह पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया। जहां आज के इस मुकाबले में आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे मात्र 66 रन के लक्ष्य को भी स्मृति मानधना की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने मात्र 10 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया, जहां स्मृति मानधना ने अपना अर्धशतक भी मात्र 17 गेंदों में ही पूरा किया और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए। तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने भी बखूबी उनका साथ दिया। हालांकि दोस्तों आज का ये मुकाबला टीम इंडिया ने जीतने के साथ ही लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित महसूस करवाया और वहीं साथ ही इस एशिया कप के मैच को जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने एक इतिहास भी रच दिया, जहां हमारी भारतीय महिला टीम ने पुरुष इंडिया टीम की बराबरी कर ली है एशिया कप जीतने के मामले में। जी हां दोस्तों, आज टीम इंडिया का ये 7वां एशिया कप का खिताब था जो कि आज उन्होंने नाम किया और ये बराबरी करने के साथ ही अब भारतीय महिला टीम ने भी जता दिया है कि हमारी भारतीय महिला टीम पुरुष टीम से कमजोर टीम नहीं है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आज के इस एशिया कप के फाइनल मैच के बारे में और आप भारतीय महिला टीम को एशिया कप का फाइनल मैच जीतने पर क्या कहना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।